फाइनली दोस्तों 2024 के एंड में IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने का नया तरीका आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को फुल बताऊंगा कि कैसे आप लोग नए तरीके से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो IRCTC के अंदर से। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर से IRCTC एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल सा, अगर आप लोग के पास पहले से IRCTC का अकाउंट है तो सिंपल सा आपको लॉगिन वाले बटन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक, अगर आपका फिंगरप्रिंट लगा होगा तो उससे ले लेगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग अपना यूजर ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। और दोस्तों अगर आप लोग एकदम न्यू यूजर हो, आज से पहले आपने बिल्कुल भी ट्रेन की टिकट बुक नहीं की, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग IRCTC के अंदर रजिस्टर कर लेना। कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे IRCTC का अकाउंट बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है। 5 मिनट के अंदर आप लोग का अकाउंट बन जाएगा, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो मैंने तो ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है, तो फटाक से इसको लॉगिन मैं कर लेता हूँ अपने फिंगरप्रिंट की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा IRCTC का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद अब आप लोग को सिंपल सा ट्रेन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ट्रेन वाले बटन में क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने ट्रेन के काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन को ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो आपको बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। बुक टिकट पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर फ्रॉम, यानी कि जिस स्टेशन से आप लोग ट्रेन पे चढ़ना चाहते हो यानी कि बैठना चाहते हो उस स्टेशन को यहाँ पर डालना है। और लास्ट में जो टू वाला ऑप्शन है, जिस स्टेशन तक आप लोग जर्नी करना चाहते हो यानी कि जहां पर आप लोग उतरना चाहते हो उस वाली स्टेशन को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो दोस्तों सिंपल सा, सबसे पहले जिस भी स्टेशन से मुझे जाना है मैं अपनी उस स्टेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी जो ट्रेन की जर्नी है या फिर बोल सकते हो जो ट्रेन की टिकट है वो जबलपुर स्टेशन से लेना चाहता हूँ। तो सिंपल सा मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड क्लिक जैसे ही करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेन के स्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हो यानी कि सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने पहले ही स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जहां तक आप लोग जर्नी करना चाहते हो यानी कि जहां तक आप लोग को टिकट चाहिए जिस भी स्टेशन तक, तो आप लोग को सिंपल सा टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सिंपल सा सर्च वाला बटन मिलेगा। सर्च वाले बटन पे क्लिक करके आप लोग अपनी स्टेशन का नाम सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मैहर तक करना चाहता हूँ, तो अपनी मैहर स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को सिंपल सा यहाँ पे ऑल क्लास रहने देना। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी तो ऑल क्लास एंड कोटा में आप लोग को जर्नल रहने देना। अगर आप लोग AC में ट्रेवल करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं तो कहूँगा आप लोग सिंपल से ऐसे ही रहने देना। उसके बाद आप लोग किस डेट को जर्नी करना चाहते हो, जिस भी दिन आप लोग को ट्रेन में जाना है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। लाइक मुझे 13 तारीख यानी कि 13 नवंबर की मुझे टिकट चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग को सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग को ये फिर से एक बार आप लोग को लॉगिन बोले तो आप लोग फिंगरप्रिंट लगा के अपना लॉगिन कर लेना। और अकाउंट कैसे बनाते हैं IRCTC के अंदर, ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उस वीडियो की लिंक, तो जाके देख लेना। अब दोस्तों जैसे इसके अंदर आप आ जाओगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने काफ़ी सारी ट्रेन आ जाएंगी। देख सकते हो दोस्तों इतनी सारी ट्रेन आ जाएंगी। अब आप लोग को सिंपल सा यहाँ पे जिस भी ट्रेन का यहाँ पे टिकट चाहिए आप लोग अपने टाइम वगैरह देख लेना, किस टाइम पे आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोग शॉर्ट बाय भी कर सकते हो कि कैसे जाना है, अर्ली फास्ट जाना है, नाइट में जाना है, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग जाओगे फिल्टर वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर आप लोग को ऑल क्लास मिल जाता है। आप लोग को मॉर्निंग वाली चाहिए, मिड डे वाली चाहिए यानी कि दोपहर वाली चाहिए, इसको आप लोग लगा के फिल्टर कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे अप्लाई ऑल रहने देना, मुझे कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा काफ़ी सारी ट्रेन मिल जाती हैं। तो आपको सिंपल सा इस तरह से, अगर आप लोग को स्लीपर पर जाना तो स्लीपर पर क्लिक करना, थर्ड AC में जाना तो थर्ड AC पर जाना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जिस भी ट्रेन की टिकट यहाँ पे अवेलेबल रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो ऊपर की जो टिकट है, ये वाली टिकट देख सकते हो, इस पर मेरे को वेटिंग आ रही है, तो यहाँ पर मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक ये है दोस्तों, जो दिखा देता हूँ, ये वाली टिकट जो कि है ITR रीवा एक्सप्रेस, इसके अंदर मुझे जो टिकट है वो यहाँ पे अवेलेबल मिल रही है स्लीपर की। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों आप लोग को सारी ट्रेनें आ जाएंगी। अगर आप लोग किसी स्पेशल ट्रेन में जाना चाहते हो, ठीक है, यानी कि कोई जो आपकी ट्रेन होती है जिसमें आप लोग रेगुलर जाते हो, तो उसका आपका नंबर पता होगा, तो नंबर डाल के यहाँ पे आप लोग देख लेना, वो ट्रेन आपकी आ जाएगी। ठीक है, नंबर से मैच कर लेना जिस भी ट्रेन पर आप लोग जाना चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे ये वाली ट्रेन भी चल जाएगी, ITR रीवा एक्सप्रेस, तो मैंने इस पर स्लीपर कोच पर जाना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के नीचे अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आने का सिंपल सा पैसेंजर डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है।
पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, एक बार सेलेक्ट देख लेना कि आपने जो ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो उसकी स्टेशन वगैरह चेक कर लेना सही है कि नहीं, और साथ ही साथ डेट भी चेक कर लेना कि डेट बिल्कुल सही है कि नहीं। काफ़ी बार दोस्तों हमारी डेट गलत हो जाती है, गलत डेट में हमारी टिकट बुक हो जाती है, तो इसको भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना, यानी कि जो भी यहाँ पर जाना चाहता है उस पर आपको क्लिक कर देना, यानी कि उस पैसेंजर की फुल डिटेल डाल देनी है, जैसे कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, अगर 4 साल से ऊपर की है तो यहाँ पर डाल देना है, उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, सारा कुछ डाल देना, नेशनलिटी डाल देना कि कौन सी इंडिया से है, कहाँ से ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है, एंड जो बर्थ वाला ऑप्शन है इस पर कुछ नहीं करना, आप लोग को रैंडम रहने देना। तो चलो मैं फटाक से अपनी डिटेल डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डिटेल डाल दिया, जैसे कि मैंने अपने नाम और एज और जेंडर, डालने के बाद आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का दोस्तों, अगर आप लोग एक पैसेंजर तो ऐड हो चुका है, अगर आप लोग एक से ज़्यादा लोग एक साथ जा रहे हो तो यहाँ से ऐड न्यू पर भी क्लिक कर सकते हो और भी पैसेंजर को ऐड कर सकते हो। इस तरह से जितने पैसेंजर जाना चाहते हो उतने को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऐड करने का दोस्तों सिंपल सा, यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उनको भी चेकआउट जरूर से कर देना, जैसा कि दोस्तों इन दोनों को चेक कर देना, ठीक है। इससे दोस्तों आप लोग को जो कंफर्म सीट है वो जल्दी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट के, जैसा कि पहला मिलता है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह का, और दूसरा मिलता है भीम यूपीआई का। तो मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप लोग भीम यूपीआई से पेमेंट करो, इससे दोस्तों आप लोग को कम पैसा लगता है, ठीक है। ध्यान देख लो, जीएसटी चार्जेस वगैरह बहुत ही कम लगती है, तो आप लोग को इस पर सिलेक्ट कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक बार फिर से बताएगा कि आप जिस भी ट्रेन पर जर्नी कर रहे हो उसमें आप लोगों को क्या क्या, कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हो, डेट टाइम वगैरह क्या रहेगा ट्रेन का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये सारी डिटेल चेक कर लेते हो, उसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चर कोड रहेगा उस कैप्चर कोड को आपको डाल देना है। तो यहाँ से मैं चलो फटाक से अपना जो कैप्चर कोड है उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। कैप्चर कोड डालने के बाद अब आप लोग को सिंपल सा प्रोसीड टू पे का जो बटन मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक बार फिर से अलर्ट करेगा, सारी बुकिंग वगैरह आप लोग को बोलेगा कि एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लो। तो यहाँ से मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तो यस वाले बटन में क्लिक कर देता हूँ। यस वाले बटन में अब आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोग जैसे इसके अंदर आ जाओगे, आने के बाद यहाँ पर IRCTC IPay पे सिलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको इससे पेमेंट नहीं करना, आप लोग को फोन पे से पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे दोस्तों पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो, कैश फ्री से पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपल सा अपन को फोन पे से करना है तो फोन पे को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे का जो बटन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे यूजिंग UPI, तो UPI पे क्लिक करना, एंड जो भी आप लोग की फोन पे की UPI आईडी है उसको यहाँ पे डाल देना है। तो चलो मैं फटाक से अपनी UPI भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी UPI डाल दी है। डालने के बाद दोस्तों सिंपल सा आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करना है, ये वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद आपने जो UPI आईडी दी है उस UPI आईडी के अंदर एक नोटिफिकेशन चले जाएगा, या फिर आप लोग अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद वहां पर एक आप लोग को अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा। एंड जैसे ही दोस्तों आप लोग पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के तुरंत बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग की टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी मेरे को कोई भी टिकट बुक नहीं करनी है, मैंने जस्ट आप लोग को बताया है कि कैसे आप लोग ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप लोग की बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद माय बुकिंग में जाना, माय बुकिंग में आप लोग की जो ट्रेन की टिकट की PDF रहेगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेन की टिकट बुक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।